हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता चौहान और आप सबको मेरी नमस्ते। आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। और सूजी के लड्डू बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होगा, ये मैंने 400 ग्राम सूजी लिए, 200 ग्राम चीनी लिए, 100 ग्राम जो है नारियल का पाउडर लिया है, 15 काजू लिए हैं और 20 बादाम लिए हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया और कुछ ऐसे चक्कू से काट लिए, और ये 6-7 चम्मच मैंने घी लिया है देसी। अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सूजी को भूनेंगे, हल्का सा कच्चापन हट जाएगा। देखिए, हम फ्लेम जो है धीमी रखेंगे क्योंकि जो है सूजी जल जाएगी और हम स्पैचुला से सूजी को चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें जो है लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। हल्का सा इनका सूजी का कच्चापन हटाएंगे, ज़्यादा नहीं भूननी है, थोड़ी ही भूनेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे देसी, और देसी घी डाल के फिर से चलाएंगे। जल्दी जल्दी चलाएंगे जो इसमें गांठें ना पड़ जाए। और इसको देसी घी को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें नारियल का पाउडर डालेंगे। और फिर से मिक्स करेंगे, चलाएंगे इसको। अब ये देखिए, अब ये सूजी जो है परफेक्ट हो गई है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में, और अब इसके बाद हम सिरप बनाएंगे। गैस बंद करेंगे। अब हम ये चीनी डालेंगे और इस पानी डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, बस चीनी मेल्ट हो जाए इतना ही डालना। और एक चाशनी बनाएंगे। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। और आपको जितना मीठा खाना है उसके अकॉर्डिंग जो है चीनी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब सिरप बन गया है, क्योंकि हमें ये एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये हमारा सिरप तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे और ये सूजी इसमें डाल देंगे। ये सूजी हमने डाल दी है इसमें, और ये हम काजू भी डाल देंगे इसमें, और ये बादाम भी डाल देंगे। और अब इस मिक्सचर को जो है ठंडा होने देंगे, अभी बहुत गर्म है इसलिए लड्डू नहीं बनेंगे। 5 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, अब सूजी ठंडी हो गई है, अब हम इसके लड्डू बाइंड करेंगे।
ये देखिए लड्डू बन गया, दूसरा बनाएंगे। ये देखिए दूसरा भी बन गया। ऐसे बना के हम सारे लड्डू रख, ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ओके बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।